आपने बहुत इलेक्शन देखे हैं, आप गुजरात में लंबे समय रहे हैं, ये आपका तीसरा चुनाव है सेंटर में। मैंने देखा है कि समय समय पर चुनाव चुनाव से आप पर पर्सनल अटैक अक्सर होते जाते हैं। कहीं पे कभी बोला जाता है मोदी को गोली मार दो, कभी बोला जाता है सर फोड़ दो, अभी हाल फिलहाल में राहुल गांधी ने भी आप पर कुछ आपको कुछ ऐसे शब्द बोले हैं जो कि पर्सनल अटैक के तौर पर उनको भी देखा जा सकता है। ये ऐसा मोदी के साथ क्यों होता है? मोदी के साथ क्यों हो रहा है इसका जवाब तो मेरे पास नहीं है, लेकिन ये सवाल मोदी को क्यों पूछना चाहिए? ये सवाल इस देश में चर्चा का होना चाहिए कि सार्वजनिक जीवन में आखिर मोदी का गुनाह क्या है? वो पीएम बना वही गुनाह है ना, मतलब आप जो भी गाली देते प्रधानमंत्री को दे रहे हैं। अब प्रधानमंत्री को इस प्रकार से सर फोड़ देंगे या कभी मेरी माँ को गाली देना कभी ये, और मैं हैरान हूँ जी भारत के राष्ट्रपति पर भी किस प्रकार का कटाक्ष किया गया था, शर्म आए इस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया था। मैं हमेशा मानता हूँ जी मतदाता ही मेरा परिवार है, देश ही मेरा परिवार है, और मैं सकारात्मक रूप से जा रहा हूँ, लेकिन जो ऐसा कर रहे हैं उस पर तो मैं आप लोगों पर छोड़ता हूँ, देशवासियों पर छोड़ता हूँ कि इन लोगों की तरफ कैसे देखना चाहिए।